कंपनी ऐसा चाहती है कि हम गुड़गांव के अंदर हसल बसल ऑफ सिटी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएं जहां पे नेचर मिले लोगों को। सो एंटर करते ही वी हैव अ लेविश लिविंग स्पेस एंड लेविश डाइनिंग स्पेस ओवर हियर। इस फ्लैट में आप जो भी देख रहे हैं दे आर फॉर द इंटीरियर पर्पसेस। खास बात इस अपार्टमेंट की दैट इज अ व्यू, तो फॉरेस्ट व्यू आपको पूरा का पूरा मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड जगप्रीत सिंह फ्रॉम तेरा प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो में आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा विच इज गोदरेज अरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 गुड़गांव। दिस इज अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट। जैसे फॉरेस्ट के बीच में मैं खड़ा हूँ, इससे भी बेटर तरीके से कंपनी इसको बनाने जा रही है। क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस विल इंक्लूड द मॉडल टूर, मैं मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा ताकि आप यहां पर आओ और मेरे से समझ के जाओ इसको। तो मॉडल के बारे में बताऊंगा, सैंपल फ्लैट का हम लोग इसमें टूर करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखो तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ हो, देन यू कम फॉर अ साइट विजिट विद अस एंड डेफिनेटली अगर आपको घर लेना है तो वी विल गिव यू द बेस्ट डील फॉर दिस। अब हम टूर करेंगे अबाउट द मॉडल ऑफ गोदरेज अरिस्टोक्रेट सेक्टर 49। सो दिस बेसिकली इज द मॉडल ओरिएंटेशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट एंड 9.4 एकड़ के एरिया में ये पूरा का पूरा मेरा प्रोजेक्ट है। सबसे मेन अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपीज की, तो फर्स्ट यूएसपी इज द डेवलपर, गोदरेज का एक ब्रांड है। सेकेंडली इज द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड थर्ड इज द थीम ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इज फॉरेस्ट थीम प्रोजेक्ट। सो वन बाय वन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। So first मैं बात करूं as a brand, गोदरेज का product है तो that is completely reliable, आप इसमें invest कर सकते हो। Second हम लोग आते हैं location of this project। So जैसा कि ये मेरी पूरी की पूरी orientation है, this side of the project is the east, this side is the west। अगर मैं बात करूं तो इस area में मेरी golf course road आ रही है। गोल्फ कोर्स रोड से आप 24 मीटर वाइड रोड लेते हो, 24 मीटर वाइड रोड से इस प्रोजेक्ट की मेरी एंट्री एंड एग्जिट है। सो हेयर आई कम, अगर मैं कहूँ ये मेरी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है एंड दिस इज द एंट्री ऑफ माय प्रोजेक्ट विच इज फ्रॉम 24 मीटर वाइड रोड। तीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं, फर्स्ट एंट्री पॉइंट, सेकेंड एंट्री पॉइंट एंड दैट इज द प्रपोज्ड एंट्री एग्जिट पॉइंट जो वहां से आपको मिलता है। विद दीज थ्री एंट्री एग्जिट पॉइंट 9.4 एकड़ के मेरी पूरी टाउनशिप है, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लोकेटेड है। अगर जिसको नहीं पता, गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ ने जिस तरीके से डेवलप करा, आज जो भी वहां पर प्राइसिंग है, सो उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज द मोस्ट डेवलपिंग हॉटस्पॉट इन रियल एस्टेट ऑफ गुड़गांव। लोकेशन इसकी एकदम खास है। थर्ड में आता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर वी आर कमिंग अप विद थ्री टॉवर्स, वो मेरा टॉवर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 टॉवर्स के साथ वी आर कमिंग अप विद 63,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। जो ये जितना भी प्रोजेक्ट है, दिस इज अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट ऑन द फॉरेस्ट बेस्ड थीम। फॉरेस्ट थीम है, 500 प्लस हमारे जो है कंपनीज के अंदर पेड़ लगा रही है, जिसके अंदर एग्जॉटिक एंड इंडियन स्पीशीज के प्लांटेशन होगी। ये सारा मेरा फॉरेस्ट एरिया रहने वाला है। सो जो मेरी एमिनिटीज हैं, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी का मेरा क्लब है, जिसके अंदर इंफिनिटी पूल आने जा रहा है, जिमनेजियम, लाइब्रेरी, बॉलिंग एले, यू नेम द एमिनिटी यू वॉन्ट एंड दिस प्रोजेक्ट विल हैव दैट थिंग। सो ये मेरा पूरा क्लब एरिया है। इसके साथ में जैसा मैंने कहा फॉरेस्ट थीम है, तो दिस इज ऑल द प्लांटेशन एरिया एंड दिस इज द कैस्केडिंग वाटर, साथ ही साथ उसके सिटिंग एरिया कैस्केड वाटर का इफेक्ट, तो ये सारा आपको मिलेगा। द विजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द नेचर। कंपनी ऐसा चाहती है कि हम गुड़गांव के अंदर हसल बसल ऑफ सिटी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएं जहां पे नेचर मिले लोगों को। तो इसी रीजन से इस पूरे एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं जहां पे फॉरेस्ट है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है ताकि पेड़ों के जो रूट्स हैं वो जमीन तक जा सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके नीचे बेसमेंट में आपकी पार्किंग होती है। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन बी विद द मदर अर्थ। सो इस
तरीके से इसका विजन रखा गया है। इसके आगे मैं बात करूं, ये मेरा वाटर कैस्केड्स आ जाते हैं, आपका जॉगिंग एरिया, वॉक एरिया, सिटिंग एरियाज, यहाँ पे लॉट ऑफ एरियाज आर देयर। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करूं, ये दिस इज माय किड्स प्ले एरिया यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे कुछ मेरी सोसाइटी शॉप्स का प्रोविजन है आने वाले टाइम पे। सो दिस इज ऑल द एमिनिटीज कमिंग अप इन द प्रोजेक्ट। जब ये एमिनिटीज निकल कर आएंगी, वो डेंस फॉरेस्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ आज, जब वो एक्चुअल बन के आएगा तो तब उसकी वर्थ लोगों को पता चलेगी। तो जैसा मैंने कहा कि तीन टॉवर्स हैं, सो दिस इज अ मॉडल ऑफ माय टॉवर लॉबी। सो बेसिकली वी आर कमिंग अप विद थ्री ट्विन टॉवर्स लाइक दिस, जिसके अंदर ग्राउंड में मेरी ट्रिपल हाइटेड लग्जूरियस लॉबी रहेगी विद ऑल द सिटिंग एरियाज। आपका रिसेप्शन एरिया इस तरीके से रहेगा, ड्रॉप ऑफ जोन। इस ट्रिपल हाइटेड लॉबी के यहाँ से मेरे अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड लॉबी प्लस 31 की मुझे यहाँ पे हाइट मिलती है। एंड उसके ऊपर टू एड द फिनिशिंग, देर इज अ क्राउन थीम फैसाड ऊपर का, जो कंपनी इसको बनाने जा रही है, ताकि ये प्रोजेक्ट आपका जो घर, कोई भी बंदा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जाए, कोई भी उस एरिया से जाए और वो इस चीज को देखे तो उसको पता लगे दिस इज अ लैंडमार्क डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा टॉवर की लॉबी रहने वाली है। इधर से आप एंटर करोगे, वी आर हैविंग थ्री लिफ्ट्स, टू नॉर्मल लिफ्ट्स, एक सर्विस लिफ्ट फॉर ईच टॉवर। ये मेरा मान लो टॉवर वन है एंड दिस इज अ टॉवर टू। सो इस टॉवर के लिए मेरी तीन लिफ्ट अलग, इस के लिए तीन लिफ्ट्स अलग रहने वाली हैं, जिसमें सर्विस लिफ्ट्स विल बी इंक्लूडेड। सो दिस इज अ टॉवर मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो बात करता हूँ कमिंग टू द मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसी तरीके के जैसा मैंने कहा, तीन टॉवर्स आने जा रहे हैं। इन टॉवर्स के बीच में भी मेरा एमिनिटीज हैं, जैसे एक गार्डन, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक स्मैश कोर्ट। तीन चीजें अलग अलग आपको टॉवर्स के अंदर भी मिल रही हैं। सो दिस इज अ लग्जरी प्रोजेक्ट। गोदरेज ने इसको जिस लेवल पे पोजीशन करा है, दैट इज अ अल्ट्रा लग्जरी पोजीशनिंग। अगर मैं बात करूं आज की डेट में गोदरेज का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इज गोदरेज मेरिडियन। तो गोदरेज इसको आज उससे भी ऊपर अल्ट्रा लग्जरी लेवल पे पोजीशन करता है गुड़गांव के अंदर। द थिंग्स विच विल बी कमिंग अप, इट वुड बी बेटर देन एनी प्रोजेक्ट गोदरेज हैज मेड। मोर ओवर जो इस प्रोजेक्ट का थीम है, फॉरेस्ट थीम, यू कैन नॉट गेट एनी थिंग सच इन गुड़गांव इन एनी टाइम। आगे भी अगर कोई लॉन्च आएंगे तो इस तरीके की चीज नहीं आने वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। ग्राउंड प्लस टू का मेरा क्लब, फॉरेस्ट थीम, एंड दीज आर माय टॉवर्स। इसके बाद हम लोग सैंपल का टूर करेंगे। सो ये था एक शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द मॉडल। अगर आपको बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर जाना है, डिटेल में मैं आपको सारा समझाऊं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। हेयर आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ऑफ दिस। सो दिस इज अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ द मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड अब हम सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। सो कमिंग टू द फोर बेडरूम सैंपल अपार्टमेंट ऑफ गोदरेज अरिस्टोक्रैट, दिस इज द मेन एंट्री आई एम स्टैंडिंग एट। इसी साइज की ब्रेथ का, इसी साइज की लेंथ का आपको डोर मिलता है। इसके अलावा ये मेरा सर्वेंट रूम, इसके अंदर हम बाद में आएंगे। अगर आपका सर्वेंट है तो ये सर्वेंट रूम, या फिर अगर आपको होम ऑफिस या जो भी कंसेप्ट आप यूज करना चाहो, दिस कैन बी यूज्ड। सो कमिंग टू द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ दिस फ्लैट, सो एंटर करते ही वी हैव अ लेविश लिविंग स्पेस एंड लेविश डाइनिंग स्पेस ओवर हियर। इस फ्लैट में आप जो भी देख रहे हैं, दे आर फॉर द इंटीरियर पर्पसेस। बेसिकली आपको इस फ्लैट के साथ क्या क्या मिलेगा, वी हैव द लिस्ट, आप हमें कॉल करो, हम आपको शेयर कर देंगे। सो बेसिकली इस अपार्टमेंट में आप जो भी चीज देख रहे हो, दैट इज द इंटीरियर डेकोरेशन, जस्ट टू शोकेस कि आप अपने अपार्टमेंट्स को कैसे बना सकते हो और कितना स्पेस निकल कर आ रहा है। स्टिल वी आर डिलीवरिंग इट विद हाई एंड स्पेसिफिकेशंस ओनली। आपको जो भी कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत करना होगा, मूवेबल गुड्स लाना होगा, दैट यू कैन ब्रिंग इन एंड यू कैन शिफ्ट हियर। सो यहां से मेरी लिविंग एरिया स्टार्ट होता है। दिस इज माय लिविंग एरिया, लिविंग स्पेस, एंड दिस इज माय डाइनिंग स्पेस। सो अगर आपके घर में 15 से 16 लोग भी आ रहे हैं तो यू कैन मैनेज देम इजीली। इस अपार्टमेंट को अगर मैं देखता हूं, फोर बेडरूम को, आई क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज अ प्राइवेट एरिया एंड अदर इज अ पब्लिक एरिया। एक तरीके से इधर मेरा एक रूम है, उस तरफ मेरे तीन रूम्स हैं। यू कैन मेक अ प्रोविजन जहाँ पे आप यहाँ पे एक डोर लगा सकते हो, अगर आपको घर से बाहर जाना है कभी भी, तो दैट डोर कैन बी लॉक्ड। यहाँ पर आपका सर्वेंट इस एरिया को यूज कर सकता है, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आए हो, दिस रूम कैन बी यूज्ड बाय गेस्ट। दोस थ्री रूम्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय यू। सो चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। सो दिस इज माय फर्स्ट बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। इसके साथ एक आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, दिस कैन बी यूज्ड एज अ गुड गेस्ट रूम। इसके साथ ही आपको
एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। सो दिस इज द फर्स्ट रूम विद मॉड्यूलर फ्लोरिंग। सो इसके आगे आते हैं, बालकनी की तरफ हम बाद में चलेंगे। सो जैसे ही हम इधर आते हैं, दिस इज माय सेकंड रूम एंड दिस रूम कैन बी यूज्ड एज अ किड्स रूम, बच्चों का रूम। एक डिसेंट अच्छे साइज का एक किड्स रूम आपको मिल रहा है। इसके साथ में ही अटैच्ड वॉशरूम, इसी वॉशरूम के अंदर आपका एक शॉवर क्यूबिकल एरिया आपको पूरा प्रॉपर मिल जाता है। इसी वॉशरूम की जो मेरी एंट्री है, यू कैन एक्सेस दिस वॉशरूम फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बाहर से भी आ सकते हो और बच्चे अगर इंटरनली यूज कर रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। दिस इज अ गुड किड्स रूम, गुड साइज ऑफ किड्स रूम। थर्ड हम लोग आते हैं, दिस इज माई थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। इसको अगर मैं कहूँ तो अगर आपके घर में कोई सीनियर पर्सन है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, तो दे कैन यूज दैट रूम। अटैच वॉशरूम अगेन थोड़ा सा बड़ा साइज है इस बाथरूम का, अगर हम देखें किड्स रूम से या दूसरे रूम से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है। इस रूम की खास बात यह रहती है कि यू गेट अ इंडिविजुअल बैल्कनी, दैट इज अ प्राइवेट बैल्कनी। सो ये दूसरी साइड आपको मिल जाता है। सो अगर आप रूम को देख रहे हैं, एक डिसेंट साइज का बेड लगाने के बाद, डिसेंट साइज की अलमीरा वार्डरोब बनाने के बाद भी काफी अच्छी स्पेसिंग आपको मिलती है। सो कमिंग टू द फोर्थ रूम, सो दिस इज माय फॉयर एरिया। सो दिस इज द बिगेस्ट साइज रूम ऑफ माय अपार्टमेंट। सो मास्टर बेडरूम के साथ वी गेट एन एडवांटेज, दैट इज अ वॉक-इन क्लोजेट एंड अ बिगर वॉशरूम साइज। सो अगर मैं बात करूं, मेरे मास्टर बेडरूम में आप एक बड़ा बेड भी लगा लेते हो, आप कुछ सिटिंग स्पेस भी बना लेते हो, आपकी स्टोरेज भी अलग से हो जाती है एंड फिर भी यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। सो दिस इज द बिगेस्ट साइज मास्टर बेडरूम अवेलेबल इन दिस फ्लैट। आगे अगर मैं आता हूँ, दिस इज लॉट ऑफ एम्पल स्टोरेज स्पेस जो आप बना सकते हो। इसी के साथ में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलता है विच इज द लार्जेस्ट साइज फ्रॉम अदर रूम्स। आगे अगर मैं आता हूँ, इस मास्टर बेडरूम के साथ वी हैव अ बालकनी, दिस इज द बालकनी जो कनेक्ट करती है। मैं इस बालकनी को भी आगे से भी दिखाऊंगा, बट दिस बालकनी कनेक्ट्स यू to the dining room, drawing room plus the kids room. यही बैल्कनी आपको कनेक्ट करती है। सो कमिंग फॉरवर्ड, दीज आर ऑल द रूम्स ऑफ माय अपार्टमेंट। सो अब हम आते हैं टू द हार्ट ऑफ एवरी अपार्टमेंट विच वी कॉल्ड इज द किचन, क्योंकि उसी से सब कुछ चलता है। सो वी कम ओवर द किचन। ये जो मेरी किचन है, सो वी गेट अ लार्ज साइज ऑफ किचन जहाँ पे आप डबल डोर का रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हो, उसके बाद भी आपके पास काफी स्पेस मिलता है। सो यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर योर स्टोरेज एंड एवरीथिंग। किचन के साथ ही मैं बात करूं तो We have this attached balcony, utility balcony हम इसको बोलते हैं। So that can be accessed by you. So this is the kitchen and this is again my living and dining room. अब हम आते हैं इस project की main USP के बारे में, which is the view of this project. अगर आप इस project में घर ले रहे हो, घर आपको गुड़गांव में 10 जगह और भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। City के बीचों बीच में मिल जाएगा, golf course में भी मिल जाएगा, express way पे भी मिल जाएगा। But जो view इस project में मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। That I am very sure because this is a theme-based project, जैसा मैंने कहा, forest theme के ऊपर ये project पूरा बनने जा रहा है। So we get a green view, dense forest view from your apartment. अगर आप club facing apartment या forest facing apartment लेते हो। So coming to the balcony, so this is the balcony. So मैं अगर balcony showcase करूँ, so this is my long run balcony जो आपके apartment के साथ मिलती है, जिसको आप actual में use कर सकते हो। This is the actual usable balcony. So ये मेरी पूरी की पूरी एक आपको लॉन्ग रन बैल्कनी मिलती है विच कनेक्ट्स ऑल द रूम्स। यहाँ पर आप सिट आउट स्पेस भी निकालो, यहाँ पर आप बैठने उठने का सोफा भी लगा सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइज। सो दिस इज नॉट एन बैल्कनी, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डेक। खास बात इस अपार्टमेंट की, That is a view. तो forest view आपको पूरा का पूरा मिलता है। तो हमने यहाँ पर उसी का एक concept create करने की कोशिश की है कि how it will be looking जब आप इस घर में shift करोगे। Actual जब ये apartment बनेगा, this would be more beautiful than this. So that our customers get an idea. So ये मेरी पूरी balcony which connects my drawing room, my kids room, my other room. So coming to the apartment, this was all my apartment tour. And इसके बाद हम आते हैं सर्वेंट रूम के अंदर, बिकॉज वी रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेरी। सर्वेंट रखना ही होता है सबको, हाउस होल्ड सबको चाहिए होती है। तो दिस इज द सर्वेंट रूम, डिसेंट साइज ऑफ सर्वेंट रूम, नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल, जहाँ पे आपका सर्वेंट आराम से रह सकता है, स्टोरेज रख सकता है, उसको एक सेपरेट वॉशरूम
एक्सेस भी मिल जाता है एंड दिस सर्वेंट रूम कनेक्ट्स यू टू द किचन। अगर आप यहाँ से आते हो तो दिस इज द सर्वेंट वॉशरूम एंड दिस विल कनेक्ट टूवर्ड्स द किचन। जैसा मैंने कहा, अगर आपका सर्वेंट वहां रह रहा है, he will come from here डायरेक्टली टू द किचन, उसको आपके घर में आने की नीड नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 4-bedroom प्लस सर्वेंट सैंपल अपार्टमेंट ऑफ गोदरेज अरिस्टोक्रैट। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस अबव नंबर। वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।